أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحسنكم أحسنكم أخلاقا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم काके अग्यार से पत्थर वो दुआ देते हैं काके अग्यार से पत्थर वो दुआ देते हैं रहमत आम का पैगाम सुना देते हैं कोई आ जाए तलब से तो बिठा देते हैं कोई आ जाए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं अगर कोई गालियां दे उसको भी दुआ देते हैं अगर दुश्मन भी आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر قسم دی حمد و ثنا تحمید و تقدیس کبریائی پاکی بڑائی اللہ ارحم الراحمین احکم الحاکمین ذات لئی جس خالق کائنات مالک کائنات نے انسان نو ولقد کرمنا بنی آدم اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جیسا شاہی تاج پہنایا پھر اس انسان نو اچھی اور بری چیز اندر فرق کرندہ شعور اور سمجھتا فرمائی درود و سلام سید الاولین والآخرین سید الرسل ختم الرسل فخر الرسل سید الانبیاء تاجدار انبیاء پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بھائیو بزرگو اللہ کریم دا کروڑ ہا مرتبہ شکر ہے کہ جس خالق کائنات نے اپنے احسان انعام فضل و کرم دے نال سانو ایک مرتبہ پھر ایک مبارک اور مقدس فریضے نو سر انجام دن واسطے ایک بابرکت جگہ دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی دعا ہے مل بیٹھ کے اس فریضے دا ادا کرنا اللہ کریم اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے دوستو بھائیو بزرگو
एक खास वक्त, एक खास मुद्दत, एक खास पीरियड के अंदर अपने आप नूं मुहतात कर लेना, पाबंद बना लेना, ठीक कर लेना, या कम अज कम गुफ्तगू के अंदर कमी पैदा कर लेना, या कम अज कम बुरी जुबान नूं इस्तेमाल करन तों परहेज कर लेना, एक खास वक्त वास्ते बायसे सवाब ते हो सकता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दी पसंदीदगी, अल्लाह ताला दी तुरबत, अल्लाह ताला दी रहमत और अल्लाह रब्बुल आलमीन दी खुशनूदी दा ए बात जरिया नहीं बन सकती कि चंद दिनों वास्ते अपने आप नूं ठीक कर लेना, नेक बना लेना और फिर अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारना शुरू कर देना, ये कोई अकलमंदी नहीं। ब्रेक ऑन कर दो बात, एक अपने आप नूं समझाण वाली बात है और इस बात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत हासिल नहीं हो सकती। इस वास्ते जरूरत इस बात की है कि असी अपने आप नू मुस्तकिल तौर पर ठीक करिए और हमेशा ऐसा जुमला बोलिए, ऐसी बात कीजिए, ऐसी गुफ्तगू कीजिए कि जिंदगी के अंदर बंदा एक दफा थोड़े नाल मुलाकात करे और फिर पूरी जिंदगी थोड़ा गर्वीदा बन जाए, थोड़ा दीवाना ते परवाना बन जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की एक ही खासियत सी कि एक यहूदी, एक ईसाई, मजूसी, किसी भी गैर मजहब का आदमी मुसलमान ते अल्लाह के रसूल के पहले दीवाने सन। कोई खास मजहब का बंदा भी अगर आंदा ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू ऐसी होया कर दी, कलाम ऐसी अल्लाह के रसूल फरमान दे कि सुन के ते ओदा दिल बाग बाग हो जाता। जबकि असी खैर नाल जिंदे नाल एक बारी गल कर लईए दोबारा बुलाना कोई पसंद ना करे, ऐसा असी ओदा दिल नफरत नाल भर देने, ओनू ऐसा मुतनफर कर देने कि दूर आना ते नेड़े आना ते बड़ी दूर दी बात है, वो साढ़े तो दिन ब दिन दूर ही हुंदा जा रहा। कहिंदे छड्ड यार, उंदी भी कोई गल करनी, उस बंदी दा अखलाक ही बहुत बुरा है, उस बंदी दी जुबान ही बड़ी गंदी है, उन्हूं ते गल करन दा वल चज नहीं, उन्हूं ते बात करन दी तमीज नहीं। तो अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तालीमात इस बात की तरफ बंदे नूं रागिब कर दियां ने कि जिस तरह अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा जिदे नाल गुफ्तगू कर दे उन्हूं अपना बना लेंदे, इस चीज़ की हमेशा वास्ते जरूरत। कई बंदे सिर्फ ना रोजे आ जान, रमजान का महीना, उनके अदब के अंदर जूतों तो थोड़े दिन पाबंदी, झूठ तो थोड़ा बहुत पाबंदी और एक दूजे को बुरा मजाक करन तो थोड़ा बहुत पाबंदी, बुरा भला कहन तो गालां तो थोड़े दिन पाबंदी, और जो ही चांद रात आती है, रमजान का महीना तो गुजरे नहीं हाले, चांद रात नूं ही ओ लोग सारा कुछ कीती कतरी ते पानी फेर के ते जिवें रमजान तो पहले जिंदगी गुजारदे ने उस तरह दोबारा उहदे लैण ते आ जांदे ने। ये साडा बहुत बड़ा नुकसान है। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सोच ला, तालीमात और जिंदगी। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहब्बुल आमाली इलल्लाहि अदमुहा व इन कल्ला। अल्लाह ताला नू पसंदीदा तरीन अमल, अल्लाह दे महबूब तरीन अमल, अल्लाह नू प्यारे सब तो ज्यादा जड़िया चीजा ते अमल ने वो ए ने कि कम भावे बिल्कुल थोड़ा जा होवे लेकिन अगर ओदे अंदर हमेशगी वो काम रोजाना हुंदा है, वो काम रेगुलर हुंदा है,
अल्लाह ताला उस काम नूं बहुते काम नालों ज्यादा पसंद करता। एक बंदा साल बाद देगा चढ़ा देवे, साल बाद हज कर रहा होवे, साल बाद उमरा कर रहा होवे, इने मौकियां दीयां नेकियां, लेकिन एक नेकी वो बहुत छोटी है, बहुत ही हकीर है, लेकिन वो बंदा ओनू रोजाना करता है, अल्लाह नू राजी करने वास्ते करता है, अल्लाह दी मोहब्बत हासिल करने वास्ते करता है, अल्लाह ताला उस खास अमल नू जिहड़ा साल बाद घर बार सब कुछ एक करके उन्हें काम किया उन्हें उन्ना पसंद नहीं करते अल्लाह जिन्ना इस रोजाना और थोड़े अमल नू पसंद करते, क्योंकि इन्दे च हमेशगी है रेगुलराइजेशन। इस वास्ते ऐसे अमाल की तरफ आओ कि जेड़ियां नेकियां साड़ी जिंदगी च मौजूद ने ना उन्हें हमेशा लिए अपने जिंदगी च लियाओ, हमेशा जारी रखो। रमजान के अंदर परहेज कर लेना है कोई कमाल नहीं, कोई अकलमंदी नहीं। इस वास्ते जुबान के हवाले नाल, अखलाक के हवाले नाल, जुबान की शरीनी के हवाले नाल मैं गुफ्तगू करना चाहना। मेरी दुआ है अल्लाह ताला को जो सुनिए सुनाई अल्लाह अमल कर दी तौफीक अता फरमाए। दोस्तों भाइयों बुजुर्गो, ये जड़ी जुबान का अच्छा होना, जुबान का मीठा होना, जुबान का नरम होना और जुबान का बेहतरीन इस्तेमाल करना, पॉजिटिव इस्तेमाल, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की खास रहमत नता होता है। कोई बंदा आखे ना मैं कुरान बहुत पढ़ गया, मैं हदीसा बहुत पढ़ गया ता पर मेरी जुबान सही हो गई है, नहीं ये कोई कमाल नहीं। कोई बंदा कहे मेरे को डिग्रियां बढ़िया ने, मैं आला तलीम हासिल कर चुकिया, मैं प्रोफेसर बन गया, मैं पीएचडी कर लिया, भी सब तो आखिरी डिग्री हासिल कर ली है, तो मेरा ता अखलाक सही है या जुबान सही है, नहीं ओदा कोई कमाल नहीं। कमाल यह है कि जिहड़ी अल्लाह ताला मिठी जुबान जिन्हों दे देवे, अखलाक सोहना दे देवे, दिल नरम अल्लाह अता कर देवे, उन्हों गुस्सा जल्दी नहीं आता, उन्हों गाली जल्दी नहीं लोड़ पैंदी, उन्हों झूठ बोलन की जल्दी लोड़ नहीं पैंदी, वह जुगतबाजी तो परहेज करता, वह झूठ तो परहेज करता, वह गलत गल्लां तो परहेज करता, फजूल गुफ्तगू तो परहेज करता। मेरे पाक पैगंबर ते उतरन वाला कुरान कहिंदा है कि यह बंदे का कमाल नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत विच शामिल है। अल्लाह की रहमत अगर नहीं तो फिर बंदा कह दे बेकार है चीज। अल्लाह की रहमत सब तो बड़ी इनायत है, तो जेड़े बंदे नूं मिठी जुबान मिल जाए उन्हूं समझो अल्लाह की रहमत मिल चुकी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बड़ी हस्ती ने, कितनी बड़ी जात ने, लेकिन उन्होंने भी मिठी जुबान दे के ना ते अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया फाबिमा रहमति मिनल्लाहि लिंत लहुम। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ जड़े दूरों दूरों आके तुहाडे करीब बैठे ने, तुहाडे कदमां च बैठे ने, तुहाडी मजलस नूं खूबसूरत कीती बैठे ने, तुहाडे हलका अहबाब जड़ा सजिया ते समरिया ते फुल ते गुलस्तान बनिया बैठा है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन दी खास रहमत है। और फरमाया वलौ कुंता फज़्ज़ा, अगर तुसी जुबान दे सख्त हुंदे, दिल दे सख्त हुंदे, भैड़ी गुफ्तगू करदे, सख्त गुफ्तगू करदे, बद अखलाकी दा मुजाहरा करदे, बद तहजीबी दा मुजाहरा करदे, ते इना सारिया तुहाडे कोलों उठ जाना सी, इना इत्थे नजर ही नहीं सी आउणा। ये जिहड़े बैठे ने मजलस बनाई बैठे ने, हलका बधाई बैठे ने, ए जड़ी खूबसूरती पैदा हुई है अल्लाह नू पसंद आ रही है, आ जड़ी बेहतरीन मजलस लगी है मेरे सोने महबूब दे आसे पासे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खास करम नवाजी दे नाल, खास रहमत दे नाल अपने पैगंबर नू मिठी जुबान दे के, नरम गुफ्तगू दे के, नरम दिल दे के, ते रहमत दी सूरत बना छड़ी है। अल्लाह पाक ने खास करम नवाजी कर दिती है अपने पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते। इस वास्ते मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बंदियां नूं कठियां करना, बंदियां नूं अपना महबूब बनाना, ये बंदे का कमाल नहीं बल्कि बंदियां दे दिलां दे अंदर अल्लाह ताला मोहब्बत पैदा कर देंदे ने। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जेड़े बंदे नाल अल्लाह ताला नूं मोहब्बत हो
हो जाती है, अल्लाह नू प्यार हो जाता है। जिहड़ा बंदा अल्लाह नू प्यारा लगन लग पैंदा है, अल्लाह सब तो पहले उन्दे नाल मुहब्बत करदे ने, फिर फरिश्तियां नू बुलांदे ने, जिबरील नू अल्लाह पाक हुक्म देंदे ने, ऐ मेरे जिबरील फरिश्ते जिन्ने भी ने इन्हां सारिआं नू दस दे फलां बंदा जमीन ते जिहड़ा वसदा है अल्लाह इस बंदे नाल प्यार करदा है। फरिश्तियो तुसीं वी मुहब्बत करो। फिर जदों फरिश्ते मुहब्बत कर लग पैंदे ने, फिर अल्लाह तबारक व तआला अहले जमीन वास्ते दिलां दे अंदर उस बंदे वास्ते मुहब्बत पैदा कर देंदे ने। इस वास्ते कोई कमाल ना समझे, मैं बड़ा जी आला अखलाक दा, मैं बड़ा जी जबरदस्त किस्म दी गुफ्तगू करन वाला, मेरी डीलिंग बड़ी आला है, मेरी गुफ्तगू बड़ी आला है, मैं लोगों नू की लैना, मैं लोगों नू फौरन अपनी गल समझा लैना। नहीं नहीं, अल्लाह पाक दी खास रहमत नाल ये मौके हासिल हुंदे ने। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू भी अल्लाह पाक ने बात जुतलाई है, फबिमा रहमतिन मिनल्लाह लिंत लहुम। ऐ पैगंबर जड़े दूरों दूरों आ बिलाल हबशे तो चलन वाला, आ सुहैब रूम चो चलन वाला, आ सलमान फारस चो चल के तुहाडे करीब आण वाला, ए ए तुहाडा कोई कमाल नहीं, बल्कि जड़ी अल्लाह दी रहमत नाल तुहानू मिठी जुबान मिली है, नरम दिल मिलिया है, ओदा कमाल है कि अल्लाह पाक ने तुहाडा हलका अहबाब वधा छड़िया है। दूरों चल के जो तेरे करीब आ गए, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, मेरे बाप पैगंबर नू अल्लाह पाक ने एहसान दे तौर ते ए बात जुतलाई है, ऐ पैगंबर तुहाडा कमाल नहीं बल्कि अल्लाह दी रहमत नाल सब कुछ बनया है। इस वास्ते दोस्तों भाईओ बुजुर्गो, सब तो बेहतरीन चीज अखलाक दा हुसूल इहदे वास्ते कोशिश करना, इहदे वास्ते दुआवां करना, और इहदे वास्ते तगो दौ करना। अगर तुहाडी आदत है गालियां दी, इहनूं इक दिन गाली नूं कटा दिओ, दूजे दिन गाल नूं फिर कटा दिओ, तीजे दिन ख्याल करो मैं गाल कढ़नी नहीं, चौथे दिन अपने आप नूं पाबंद कर लो मैं जुबान चो गलत गुफ्तगू करनी ही नहीं, नाले दुआवां कीती जाओ, अल्लाह पाक गालियां दी आदत छुड़ा देंगे। अगर तुसी झूठ बोलन दी आदत ते लम्हे लम्हे ते कदम कदम ते झूठ बोलदे हो, अल्लाह पाक कोलो नाले दुआवां शुरू करदे हो, नाले पहले दिन एक झूठ बंद करदे हो, दूजे दिन दूसरा झूठ बंद करदे हो, तीसरे दिन तीसरा झूठ बंद करदे हो, चौथे दिन झूठ कहो मैं बोलना ही नहीं, झूठ मेरे नेड़े आ ही नहीं सकदा, फिर वेखना तुहाडी जिंदगी दे अंदर कमाल कैसा पैदा हुंदा जाएगा। उधरों तुहाडियां आदतां ठीक हुंदियां जाणगियां, उधरों तुहाडियां दुआवां दा असर वधदा जाएगा। जिहड़ा तुसीं रब दे सामने कहा अल्लाह मैनूं झूठ तो बचा लई, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम खुद अल्लाह पाक कोल दुआवां कर दे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, अल्लाह मैं तेथों एक सवाल करना, नफा देन वाला इल्म अता कर, फायदा देन वाला इल्म अता कर, वा अमलम मुतकब्बला, ऐसा अमल अता कर जड़ा तू कबूल करे, जड़ा तेनू पसंद आ जावे, जड़ा तेनू चंगा लगदा होवे। वाली सानन साकिरा, झूठ वाली जुबान तो बचा के अल्लाह मैनू जिक्र करन वाली जुबान अता फरमा, वकलबन शाकिरा, न शुक्रा दिल ना देवी, पैड़ा दिल ना देवी, बल्कि अल्लाह शुक्र करन वाला दिल अता कर दे। ए
सारिया चीजा जो बंदा अल्लाह को मंगेगा जिवे मेरे पाक नबी ने मंगिया ने ता फिर अल्लाह पाक ने अता कीतिया ने ते फिर बरकत कैसिया हासिल होइया कमाल कैसा हासिल होया रिजल्ट कैसा हासिल होया। मेरा नबी जो टुरिया सी उदो कला सी ते जो मेरा नबी इस दुनिया तो चले गए उदो 144,000 सहाबा छड़ के गए। हाँ हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर हम सफर मिलते गए कारवां बनता गया। जब बंदा अल्लाह को तौफीक मंगे नेकी दी और अल्लाह ताला ते हुते हर चीज सुट देवे फिर अल्लाह ताला बंदे दे काम करना शुरू कर देते। इस वास्ते मेरे भाइयों मान ना करया करो मेरे को डीलिंग दा फन है मेरे को जुबान दा फन है मेरे को मेरी डिग्रियां दा ऐसा जनाब मैं उन्हां दे विचों लुवाब कढ़िया असर कढ़िया होया और मैं हुण जनाब बहुत वड्डा कई कहिंदे ने जी मैं मेडिकल रैप जी मैं डॉक्टरां नूं गल समझा लैना मैं मास्टरां ते मैं बच्चों के चिंज दिमागों च गल भर देना ना ना ये कोई तुहाडा कमाल नहीं। कई खतीब अपने आप से बड़ा घमंड करते ने बड़ा गुरूर करके खतीब कहिंदे ने मैं मुक्तदियां ते सामईन दे उत्ते इंज हावी हो जाना मैं उन्हां दे दिलां दे विच गल भर देना ना ना जदों मेरा नबी लोकां दे दिलां च गल नहीं भर सकता फिर तेरा मास्टर दे अंदर किहड़ा कमाल हो सकदा है फिर एक डीलर दे अंदर किहड़ा कमाल हो सकदा है कि ओह लोकां दे दिलां दे उत्ते जनाब हावी हो जाए। ये सब कुछ अगर हो सकता है तो अल्लाह की रहमत नाल हो सकता है अगर ये कुराने पाक ते सानू यकीन है अगर कुराने पाक ते साडा अमल है तो फिर इस बात की समझ भी आनी चाहिए। मेरे भाइयों कोई चीज नहीं अल्लाह के रसूल ने मेहनत कीतियां ने इस वास्ते लोगों नू अपना बनाने वास्ते मारा खानिया पैंदियां ने लोगों नू अपना बनाने वास्ते जिस्म नू लहू लुहान कराना पैंदा है लोगों नू अपना बनाने वास्ते सिरां च कूड़े सटवाने पैंदे ने लोगों नू अपना बनाने वास्ते जनाब रस्तियां दे अंदर कंडे सुटवाने पैंदे ने और अपने उत्ते ओजड़ियां सुटवानियां पैंदियां ने और अपने दीवाने परवानियां नू सजावां सहणियां पैंदियां ने और मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा रोना और मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा बेबस हो जाना ओ किधर गईयां चीजां असीं अपनी डीलिंग ते मान करने आ जबकि मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे नबियां दी आदत सारे नबियां दी जिंदगी साडे सामने है। जनाबे याकूब नूं परेशानी आवे अल्लाह दे सामने रोवे गिड़गिड़ावे मेरे पाक पैगंबर नूं परेशानी आवे अल्लाह दे सामने रोवे गिड़गिड़ावे। हजरत याकूब अलैहि सलातो सलाम फरमा रहे ने इन्नमा अशकु बती व हुज़नी इलल्लाह अल्लाह मेरा यूसुफ नहीं प्या लभदा अल्लाह मैनू दुख पहुंचा मैनू तकलीफ पहुंची पर अल्लाह मैं नबियां परिंदा मतलब ये नहीं कि मैं दावे करदा फिरा मैं अपने आप नू लोकां दे सामने अपनियां तारीफां करदा फिरा बल्कि अल्लाह मेरिया सारिया तकलीफा मेरिया सारिया शिकायतां मेरे सारे गिले मेरिया सारिया कमजोरियां अल्लाह तेरे सामने ही जे मेरे पाक पैगंबर ताइफ दी वादी च जाके अपने आप नू लहु लुहान करवांदे पैने हजरात वट्टे पे रोड़े पे खांदे ने मेरे पाक पैगंबर दे जुत्ते मुबारक लहू लुहान हो जांदे ने खून नाल भरे जांदे ने मेरे नबी फिर भी अल्लाह को की मांग रहे ने अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कू इलैका ज़ौफ़ क़ुव्वती अल्लाह मैं सारिया शिकायतां मैं सारिया मजबूरियां मैं सारिया परेशानियां तेरे सामने बयान पे करना वकीलत हीलती अल्लाह मेरे को वसायल कोई नहीं अल्लाह मेरे को हाजत कोई नहीं अल्लाह मेरे को ताकत कोई नहीं अल्लाह मेरे को लोग कोई नहीं कौम कोई नहीं जमात कोई नहीं अल्लाह पैसा कोई नहीं दौलत कोई नहीं वाहवानी अलन्नास मेरे को ऐसा कोई जादू नहीं मेरे को ऐसा कोई मंत्र नहीं कोई कमाल नहीं कोई फन नहीं कि मैं लोगों के दिलों उत्ते अपना राज कर सका
वहवानी अलन्ना सल्ला मैं लोगों के सामने बेभाषा अल्लाह मेरे को कोई ताकत नहीं तू मेरा मददगार है हजरात जी असी अपनी डीलिंग ते फन ते अपने आप दे लोगों नू गर्वीदा बनाइए ते फिर मेरे भाईओ अल्लाह दे नबी दी दुआवां किधर गईयां ओ ताइफ दी मारां किधर गईयां जिथे मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश अखलाकी दा मुजाहरा कर रहे ने सब्र ओ इस्तकामत दा मुजाहरा कर रहे ने मेरे पाक पैगंबर जिस्मां नू लहूलुहान करवा रहे ने जंगां दे अंदर मेरे पाक पैगंबर दे दंदान मुबारक जख्मी हो गए सर मुबारक खौज टुट गया सिर दे अंदर खुब गया मेरे पाक पैगंबर दुखी हो गए अल्लाह के रसूल फरमान लगे कैफा युफलिहु कौमुन शज्जू नबियाहुम ओ कौम किवें कामयाब होवेगी जड़ी कौम ने अपने नबी नु ही जख्मी कर लिया हजरात मेरे नबी ने ते दुखी हो के अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है ता जाके रिजल्ट मिलते ने ता जाके फायदे पहुंचते ने जे जे ताइफ की वादी दियां गल्लां करी है ते मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें भी बादशाहों नाल मुलाकात हुई एक कहन लगा जा जा तैनू ही रब ने चुनना सी तैनू ही रब ने चुनना सी जे दूजे नाल गल कीती वो कहिंदा मेरे नाल दोबारा गल ना करी तीजे नाल गल कीती वो कहिंदा इत्थों जल्दी चला जा इस किस्म दे ताने ते मेने मेरे पार नबी नू सुनने ते वेखने पै गए अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इहदे बावजूद मेरे पाक पैगंबर सबर इस्तकामत दा मुजाहरा कर रहे ने इत्थे गल गल ते लड़ाइयां इत्थे जनाब टाइम तो पहले अगले ते अटैक अगले दिन ते हमला वो कहिंदा तू मैनू जानदा नहीं दूजा कहिंदा तू चीज की है दोवें एक दूजे नू अपना आप वखाण लग पैंदे रहे उंदा भी सिर फटदा ते उंदा भी सिर फटदा ओ याद रखो एक कोई कमाल नहीं है कोई अकलमंदी नहीं मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया किसे नू कतल करन वाला ते पावे उस लड़ाई दे अंदर ओ खुद कतल हो जाए दोवें जहन्नमी ने दोवें जहन्नमी ने दोवें पावे कतल होए ते पावे किसे ने कतल कीता है सहाबा ने अर्ज की थी हुजूर जेड़ा कतल हो गया हुंदा की गुना मेरे नबी ने फरमाया ओ भी तक करो मारन ही टुरिया सी उन्हें भी तो कतल करने का इरादा किया सी ना अगला कामयाब हो गया वो नहीं कामयाब होया इस वास्ते लड़ाइयां खत्म करो गिले शिकवे खत्म करो अल्लाह के सामने अपनी बेबसियां बयान करो मेरे पाक नबी की तरह सबर करो मेरे पाक नबी की तरह रहीम बनो मेरे पाक नबी की तरह बाखलाक बनो जबान दे सुचे बन जाओ अल्लाह को दुआवां कर करके दिल की नरमी मंगो दिलों की सख्ती दूर करो मेरे पाक पैगंबर सल्लम ने नरमी के तरीके दसे ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बंदा आया आके अर्ज कर दे हुजूर मेरा दिल बड़ा सख्त है मेरी जुबान बड़ी सख्त है कोई बंदा मेरे हाथों नहीं बचदा कोई बच्चा अल्लाह कोई भी मेरे हाथों तो मेरे दुखों तो नहीं बच सकता मैं दिल का बड़ा सख्त हाँ मेरे पाक नबी नू आके पूछ दे हुजूर कोई ऐसा फार्मूला दसो मैं दिल का नरम बन जावा मेरा दिल ठीक हो जाए मेरा दिल मोम हो जाए मैं लोगों नाल प्यार कर लग पावा मेरे नबी ने फरमाया गलियां च टुरिया फिरिया कर यतीमां नू लभिया कर माड़िया नू लभिया कर कमजोरां नू लभिया कर इमसाह रसल यतीम यतीमां दे सिरां ते हाथ फेरिया कर इस हाथ फेरन दी बरकत दे नाल अल्लाह तेरे दिल नू नरम कर देणगे तेरे दिल दियां सख्तियां दूर कर देणगे हजरात इसो ही ते वजह सी मेरे पाक नबी मक्का छड़ के मदीने टुर गए उत्थे कोई अल्लाह दे नबी दे किन्ने को रिश्तेदार सन किन्ने को हामी सन मेरे पाक नबी दे लेकिन अल्लाह दे रसूल ने जड़ा उत्थे ऐलान कीता जड़ा फार्मूला दसिया जड़ा पहला दर्स दिता मेरे पाक नबी ने अल्लाह दे रसूल ने खई फरमाया अफशुस सलाम मिठी जुबान लोगो सलाम नू आम कर दियो मदीने जा के पहला काम की कीता लोगो सलाम नू आम कर की फायदा होएगा कदे वेख्या जे सलाम बुला के किसे नू किसे मजलस से दो बंदे खड़े ने तीन बंदे खड़े ने चार खड़े ने तुसी चुप करके खलो के भी वेख्या जे ते सलाम बुला के भी खलो के वेख्या जे फिर वेख्या जे भी केड़े
खलोन विच ज्यादा असर है। तुसी सलाम बुला के खलोवोगे सारे चुप कर जाणगे, तुहाडी गल नूं सुनण वास्ते तैयार हो जाणगे। तुसी चुप करके खलोगे जे उहनां आपदी गल ही जारी रखनी, तुहानूं अहमियत नहीं मिलनी। इह तरीके ने मेरे नबी दे, अल्लाह दे नबी ने कौम नूं वधाउणा सी, माशरे नूं वधाउणा सी, फौज नूं वधाउणा सी, उम्मत नूं वधाउणा सी। मेरे पाक नबी ने मदीने नूं पता सी ना, मदीने जाके मैनू बंदियां दी लोड़ है। मेरे नबी ने पहला सबक ही दस्या, लोगों सलाम नूं आम कर दिओ, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। गली महल्ले दे अंदर, हर मजलस दे अंदर, हर घर दे अंदर, हर बाजार दे अंदर जदों सलाम सलाम ते सलामती होण लग पई, मेरे पाक नबी दी जमात दे अंदर इजाफा होण लग पिया। कुछ अखलाक ने कर ली, कुछ तलवार ने कर ली, मसखर सारी दुनिया शाहे अबरार ने कर ली। असी कहने तलवार ना ही सब कुछ होंगे, नहीं हो मेरे भाईओ, ए जुबान तो वड्डा हथियार ही कोई नहीं। इनू मिठिया करके वेखो, तुसी सारे नू अपना बना लोगे, किसे डंडा फड़न की लोड़ नहीं, किधरे हाकन की लोड़ नहीं। लोग तुहाडे बनदे जाणगे, पहले लोगों के वास्ते अपने दिल के अंदर दर्द पैदा करो। मेरे नबी दे दिल दे अंदर दर्द है, बेवावां दी मेरे नबी नूं फिकर है, यतीमां दी मेरे नबी नूं फिकर है, फकीरां दी मेरे नबी नूं फिकर है। औरत दा हाल वेखो मेरे नबी तो पहले, औरत दी मेरे नबी नूं फिकर है। माड़ियां दा हाल तो वेखो, गुलामां नौकरां दा हाल वेखो मेरे नबी तो पहले, मेरे नबी नूं नौकरां दी फिकर है, यतीमां मस्कीनां दी फिकर है। एक एक लम्हे दे अंदर हजारां चीज़ां दी मेरे नबी नूं फिकर है। इस फिकर दी वजह तो अल्लाह पाक ने मेरे नबी नूं रिजल्ट दिते ने, असीं कदे सोचिया वेखे नहीं, असी कदे एहसास ही नहीं पैदा किया, जिदी वजह करके लोग साढ़े आंखें नहीं लगते। नाले दुआ करो, नाले दवा करो। दवा का मतलब है कोशिश करो, अमल करो, अपनी आदतां ऐसियां बनाओ कि लोग तुहाडी गल सुनने वास्ते तैयार हो जा। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनावा, तकबीर हो गई, जमात खड़ी होन लगी है, सहाबा दियां सफां बन चुकियां ने। एक बीबी आई अल्लाह दे रसूल नूं आके कहंदी है, हुजूर मैं तुहाडे नाल गल करनी है, मेरी गल सुनो। मेरे नबी ने तकबीर होई, साफ बनी बनाई छड़ी, औरत दे कोल आके बुढ़ी माई दे आके कहंदे ने, मां जी, बीबी जी, मदीने की जड़ी गली च कहनी है, मैं तेरी गल सुनने वास्ते तैयार हां। इत्थे कोई खतीब, कोई वड्डा इमाम, कोई मास्टर साहब, कोई जनाब ओहदेदार कुर्सियां वाले, कई नंबरदार, कई मिंबर, कई एमपी, एमएनए, चेयरमैन, नाजम, किसे नूं भी कोई बीबी या कोई माड़ा बंदा बुला के वेखे भला आंदा कोई? इत्थे 1,24,000 अंबिया किराम पीरां दा वी पीर, मेरा पाक पैगंबर सफ बने बनाई, तकबीर होई हवाई, छड़ के मेरा नबी कहंदे बीबी दस गल की है, मदीने की जड़ी गली च कहनी, मैं तेरी गल सुन तैयार हाँ। तो फिर लोग तुहाडे ना बनणगे जी, आदत एज बन जाए, फिर सोच ये बननी चाहिए है, तो फिर दर्द पैदा होंदा, एहसास पैदा होंदा। मेरे पाक पैगंबर की गर्दन अल्लाह अकबर चादर मेरे नबी ने लई है। एक मंगण वाला फकीर, एहसास नहीं, वल नहीं ना आता गल करन दा, अल्लाह अकबर मेरे नबी की चादर नूं खिंचद, मेरे नबी की गर्दन ते निशान भी पैंदे ने, मेरे नबी की गर्दन जख्मी भी होंदी है। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों पिछा मुड़ के वेख्या ना, आंदा है, ए मुहम्मद, जिहड़ा अल्लाह ने तुहानूं माल दिता ना, मैनू भी उहदे विचों कुछ दिओ। अल्लाह दे नबी नूं वह जख्म भुल गए, वह गर्दन का मरोड़ा भुल गया, वह झटका भुल गया, वह दुख भुल गया, गर्दन ते चादर दे निशान भुल गए। मेरे नबी हस पैंदे ने ते नाले अपने साहबां नूं हुक्म देंदे ने, जाओ यार इहनूं माल च कुछ दे के आओ। इन्हां चीज़ां नूं बर्दाश्त करना, असीं सजा देने लग पैंदे। कदे किसे कोल गलती होवे सही, वह तैनूं पता नहीं तो मेरे कपड़े खराब करते, तू मेरी गड्डी अगे आ गया। इत मुलाजमान भी माफ़ी को नहीं मिलती, कोई पूछ ही लवे कागज विखाओ जी, उन्होंने माफ़ी नहीं मिलती। एडे असी जवान दे बुरे, एडे असी अखलाक दे बुरे, ना साड़ी तालीम ने असर किया, ना साड़े दीन ने साड़े ते असर किया, ना नबी दे अखलाक ने कुछ साड़े ते असर किया, ना साड़ी जिंदगी खुद ब खुद बदली हजरात, ना साड़े माँ बाप की तरबीयत ने कोई असर किया, ना साड़े उस्ताद की तरबीयत ने कुछ असर किया, ना मस्जिद की तालीम ने कुछ असर किया, ना स्कूल की तालीम ने कुछ असर किया, ना यूनिवर्सिटी ने तैनू तब्दील किया।
हजरात तू जानदा की है, तू जानदा की है, तू करना की जानना है। हकीकत के अंदर फिर तू ओहे फसादी है जिंदा जिक्र फरिश्तिया ने अल्लाह के सामने किया सी। अल्लाह तेरी तस्बीह असी बयान करांगे, तेरी तारीफ असी बयान करांगे। इस इंसान नु जमीन ते ना कल ए खून फैलाएगा, खून रेजियां करेगा, फसाद फैलाएगा। आगे उसे डगर ते की फायदा नबी भेजन दा, की फायदा कुरान भेजन दा, की फायदा किताबां नाजल करन दा, और की फायदा 1,24,000 कमो बेश अंबिया किराम मबूस करन दा। उन्हां नबियां दी मेहनत नु भुल गए हो जिन्हां नु आरिया च चीर दिता गया, उन्हां नबियां दी मेहनत नु भुल गए जिन्हां दी 950 साल तबलीग ते मुसलमान सिर्फ 80। कई नबियां पिछे सिर्फ 6-6 बंदे लगे, कई दो बंदे मत्थे लगे, भुल गया उन्होंने मेहनत। हजरात अपने आप को तब्दील कीजिए, अपने आप को थोड़ा जा ठीक कीजिए, एक अलाइनमेंट बनाइए और एक रास्ता बनाइए, मंजिल मुतय्यन कीजिए और अपने अखलाकियात को दुरुस्त कर लीजिए। अपनी भैनों का ख्याल करो, भाइयों का ख्याल करो, कदे गल सुन वास्ते तैयार नहीं होंगे, अम्मी अबू की फिक्र नहीं, उन्होंने गल सुन तैयार नहीं। टाइम मिल भी जाए 10 मिनट तो मोबाइल जेब तो कढ़ना है तो आपका काम शुरू कर। तिने भी फेसबुक चलाई, रात नहीं फेसबुक जड़ी है, फुर्सत मिली तो व्हाट्सएप भी चेक कर लेना, उधरों को मैसेज रह ना जाए। तो अम्मी अबू का कोई पता नहीं, गल भी करनी है, उन्होंने दवाई की भी कोई गल सुननी है, उन्होंने सेहत का भी ख्याल करना है, बीवी की डिमांड का पता है, बीवी की पसंद का पता है, लेकिन अम्मी की जरूरत वाली खास चीज़ का भी नहीं पता, उनकी दवाई का भी चेता कोई नहीं, अबू की बुढ़ापे का कोई ख्याल नहीं। हाँ जेड़े काम अबू अपनी सेहत के अंदर करता सी अज वो नहीं कर सकता, मेरी जिम्मेदारी है, उन्होंने कामों का भी तेन ख्याल नहीं। ये चीजा खलाकिया च नहीं आंदियां। ओ मेरा नबी वड्डा होके सरदार भी बन जाए, कौम मेरे नबी दे पिछे, जमात मेरे नबी दे पिछे, साथी अगे पिछे मेरे पाक नबी दे, ओ खून तक ही पसीना भी नहीं थले डिगन देंदे, वजू का पानी थले नहीं डिगन देंदे। एडी सोहनी जमात दे हुंदिया मेरा नबी अगर आपकी वालदा की कबर तो लंघ जाए तो आंसू बहाना शुरू कर दे। असी कदे जिंदियां याद नहीं किया, वखरे करो बस वखरे, मर जाए बुढ़ा मां प्यो जिधर मर्जी दफा हो। एक कैसी सोच है, एक कैसी तालीम है, एक केड़ा मुआशरा है, एक केड़े पढ़े लिखे दौर की गल कर दे, तो जहालत है। क्यों भुल गए हो मेरे पाक पैगंबर दे उन उसूलों, क्यों भुल गए असी उस अखलाक नू के मार कै हुनैन होवे बकरियां दियां इंज लंबे डर और जनाब रेवड़ नजर आवन जिथों तक अखा जामन और माले गनीमत दे ढेर लगे होवन, कैदियां ते नजरां ना टिकन इन्ने ज्यादा कैदी। लेकिन एक पासे माई शीमा आके ते मेरे पाक नबी नूं कुछ गल्लां याद करा देवे, ते मेरा पाक नबी अगो हस के अपनी कमली मुबारक नूं ओहदे पैरां ते विछा देवे और मेरा पाक नबी कह देवे हुक्म दिता असहाबा ताई पाक रसूल सुहारे अदब एहतराम शीमा दे पारो ओए छड़ दे ओ कैदी सारे हजरत फरमाया पैन शिमा सने कैदिया उथे ओए कलमा बोल सुनाया। रिजल्ट मिलिया कि ना, फायदे हो गया कि ना, वो मेरे भाइयों इन्हां चीजों की जरूरत है। लिल जितो लोगों के दिल स्वीट टंकन को इस दिहा सुबान शीरी जहांगीर जुबान मिठा कर लोगे ना सारी दुनिया तो तुहाडी बादशाही हो जाएगी। अल्लाह अकबर। इत्थे की हुंदा थोड़ी गलों भांबड़ मचया
थोड़ी गलों पांबड़ मचया अग लगी खिलवाड़े हाय अफसोस जुबान नुमानी ओए कितने मुल्क उजाड़े करां दे कर उजड़ गए इदारियां दे इदारे उजड़ गए मस्जिदां वीरान कर लिया पर इस जबान नू कंट्रोल च नहीं कर सके साडे खादम भी बद अखलाक साडे इमाम भी बद अखलाक साडे खतीब भी बद अखलाक मिंबरो मेहराब दे वारस भी बद अखलाक पीरी मुरीदी करन वाले भी बद अखलाक थानियां च बह के फैसले करन वाले भी बद अखलाक अदालतां च बह के जज इंसाफ करने वाले भी बद अखलाक सुप्रीम कोर्ट दे जज भी बद अखलाक हाई कोर्ट वाले भी बद अखलाक इक्तदार दियां कुर्सियां ते बह के हजरात लोकां दे उत्ते हुक्मरानियां करने वाले भी जदों बद अखलाक होवन फिर फौजां वधदियां नहीं फिर जमातां वधदियां नहीं फिर उम्मतां वधदियां नहीं फिर एक पार्टी नहीं रह जांदी एक पार्टी होर आ जांदी है फिर एक पार्टी होर बन जाएगी फिर एक पार्टी होर बन जाएगी फिर एक पार्टी होर बन जाएगी ना तेरा जज्बा रहेगा ना तेरा रोब रहेगा ना तेरा इत्तेहाद रहेगा ना तेरी जमात रहेगी ना तेरी पार्टी रहेगी ना तेरा वोट रहेगा ना तेरी सपोर्ट रहेगी ना तेरी हुकूमत रहेगी ए कोई फलसफा है जेड़ा कुरान ने बयान कीता है वा तसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकु ओ लोगो अल्लाह दी रस्सी नु मजबूती नाल फड़ लो फिरकियां च ना पवो जे फिरकियां च पवोगे तुहाडी हवा उखड़ जाएगी तुहाडा रोब खत्म हो जाएगा ते दुश्मन दा गलबा तुहाडे उत्ते आपे ही हो जाएगा होया कि नहीं बात दी समझ आ रही कोई नहीं एओ हकीकत है एओ रोना है जड़ा मैं तुहाडे सामने रो रहा साडे माशरे दा हाल है एक निका जा तिना जिया वाला घर नहीं असी संभाल सकते एक निकी जी फैमिली आले बच्चा पैदा नहीं हुंदा आले एक महीना दो महीने तीन महीने शादी नू गुजरते ने सिर्फ दो जने ने सिर्फ दो जने वो भी पढ़िया लिखा है ये भी पढ़िया लिखा है लेकिन तलाक हो जाती है केड़ा मुआशरे की गल कर किन्ने को जीया जिथे लड़ाई की वजह बन जाए असं एक दूजे को समझ नहीं सके वो याद रखो अगर तलाक की शरह घटाना चाहते हो जुर्म की शरह घटाना चाहते हो कतल की शरह घटाना चाहते हो गाली गलौच को खत्म करना चाहते हो झूठ को खत्म करना चाहते हो फिर अपनी जुबान कली नू ठीक कर लो सारिया बुराइयां खत्म हो जाएंगी कली जुबान नू संभाल लो हाय अफसोस जुबान नुमानी कितने मुल्क उजाड़े जुबान फसाद मचावे ते सख्त जुदाइयां पावे इया जुबान नुमानी होके रुसिया यार मनावे ते जदो ठीक हुंदी है फिर मना लेंदी कि नहीं अम्मी नू भी मना लिया अबू नू भी मना लिया भैणा नू भी मना लिया रिश्तेदारां नू भी मना लिया पर की करिए इक्को व्याह ही तां टपाणा सी बाद च फिर व्याह करो ऐ मुसीबत है साडी ऐ हकीकत है साढ़े माशरे की जदों आपका काम करना होंदा ना उदों बरादरी नू कट्ठियां करन तुर पैंदे आ जदों काम निकल गया बरादरी खाए खसमां दा सिर ओ मेरे भाईओ कहिड़ी तालीम की गल कर रहे हो किहड़े तरक्की याफ्ता दौर दियां मिसालां देण लग पै जो ओ तुहाडी जुर्मां दी शरह वधी कतलां दी शरह वधी तलाकां दी शरह वधी औलाद भी बद जुबान और वड्डे भी बद जुबान मां बाप भी बद जुबान ते समझाणा किन्ना ओ किन्ने समझाणा है ते किन्ने किसे दी गल नू समझणा है सारे अपनी अपनी गल वाले जदों बण जाण ना फिर किसे दी भी गल नहीं रह जांदी आजस बनो छोटा करो अपने आप नू छोटा करो सरदारी दे मदारे ना करो पैसे का घमंड ना करो ये मैल हथां दी मैल आ
आज किसे कोल ने कल किसे और कोल हो जाएंगे। इन्हां दे उत्ते घमंड करके मन करके रिश्तेदारियां नूं ना तोड़ो, भैणां भरावां नूं दूर ना करो। असीं आणे आ कियामत दी निशानी है जी, भैणां भरा एक दूजे नूं छड़ जाणगे। ते गल्लां शुरू किन्ने कीतियां ने, आपे कियामत लिआओ जे, फिर आपे कियामत लिआओ जे। क्या असीं अल्लाह दी नाराजगी दा मुजाहरा करना चाहुंदे? क्यामत कदों आनी है? जदों सारे जालिम बन जाणगे, जदों सारे गलत हो जाणगे, उदों क्यामत आनी है। जदों जुल्म वध जाएगा क्यामत आनी है। जदों सारे भैड़े हो जाणगे उदों क्यामत आनी। असीं आणे आ जी भैणा भरा जिहड़े इक दूजे नूं छड्डी जांदे ने ना, इह क्यामत दी निशानी है। इह नहीं तूं वेख्या मेरी वजह तों गया है कि उहदी वजह तों मैं गया, इह नहीं वेखणा क्यामत किहदी वजह तों आण लगी। मैं छड्डिया भैण नूं पहले कि मेरी भैण ने पहले छड्डिया, मैं छड़िया पहले अम्मी अबू नूं कि मेरे अम्मी अबू ने पहले मैंने छड़िया, ये नहीं देखना। इन्हां चीज़ां दी फिकर पैदा करिए, फिकर सोच पैदा करो। हजरात मेरे नबी दी शाना ते गल्लां बहुत ज्यादा ने, मैं जिथे मर्जी शेर सुनावा, मैं जिथे मर्जी नात सुना देवा, पर मेरा जुमा पूरा ही नहीं हुंदा। मेरा जुमा पूरा ही ओले हुंदा जिले मैं जुमे दा मकसद पूरा ना कर दिया, जिले मैं अपनी बात दा खास मकसद जिहड़ा उस जुमे दे अंदर पोशीदा है मैं लोगों तक पहुँचा ना दिया। हजरात अगर तुसीं भी चाहते हो तुहाडी जमात मजबूत हो जाए, तुहाडा घर दा किला मजबूत हो जाए, सारे जी तुहाडी गल नूं मन्नन, सारे तुहाडे बन जाण, बीवी तुहाडी गल करे, बच्चे तुहाडी गल करन, तुहाडे नाल रहण वाले अबी अबू भी तुहाडी गल करन, तुहाडे मल्ले च रहण वाले सारे तुहाडे सपोर्टर बन जाण, सारे तुहाडे आमी बन जाण। कोई लड़ाई दा नाम ना लवे, कई मल्ले च कोई गल होवे यार जकी तां है जे ते नाल दा मल्लेदार आके खबरदार जे जकी दे बारे गल करे, कोई उंगल खड़ी करके गल ना करे, कोई अख मैली करके तेरे वाल ना वेखे। ये तेरा अखलाक होना चाहिए, ये तेरी तालीम होनी चाहिए, ये तेरा मिंबर होना चाहिए, ये तेरी खिताबत कहना चाहिए, ये तेरी मस्जिद का असर होना चाहिए, तेरी नमाज का तेरे ते असर होना चाहिए, तेरिया गलों का तेरे ते असर होना चाहिए, फिर तू दीनदार है। जे तू दीन की इस पहली सीढ़ी जिंदे नाल मेरा नबी कामयाब होया, अखलाक की दौलत, अखलाक की दौलत, जुबान की श्रीनी, इस चीज नाल मेरा नबी कामयाब होया जे। ते जे मेरे नबी की कामयाबी की सीढ़ी असा नहीं अपनानी ते नबी दियां बाकी गल्लां भी छड्ड दे। मेरे भाइयों अमल की जरूरत है, गल्लां बड़ियां। अल्लाह ताला कोलो दुआ है अल्लाह ताला अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला गुरूर आकड़ा तकबर रियाकारी सब कुछ कढ़ के खलूस साढ़े दिलों च भर दे, मिठी जबान सानू दे दे, रहमत वाला दिल दे देवे, दर्दे दिल अता कर दे। अल्लाह ताला अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।